हेलो फ्रेंड्स, मैं रुस्तम सिंह, आपका रुस्तम सिंह मैथ में हार्दिक स्वागत करता हूँ। दोस्तों, आज का जो टॉपिक होगा होगा परसेंटेज। दोस्तों, परसेंटेज देखा जाए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है एग्जाम भी। कोई भी कंपटीशन आप देने दीजिए, जैसे NTPC, ग्रुप डी, SSC, SSC CGL, और UP पुलिस, दिल्ली पुलिस, हरियाणा पुलिस, बिहार पुलिस, और आपको आज जितने कंपटीटिव एग्जाम है, एग्जाम भी उसे काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। दो तीन क्वेश्चन डेफिनेटली पूछते हैं दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमें बताने की जरूरत नहीं। फिर मैं थोड़ा सा बस प्रकाश डाल रहा हूँ, जैसे कि आपको ये हो नहीं परसेंटेज क्या चैप्टर है। दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आपका परसेंटेज। परसेंटेज क्वेश्चन कैसे आते हैं, क्या कंसेप्ट होता है, उसको मैं इस व्हाइट बोर्ड माध्यम से और इस मार्कर से आपको बताने का जरूर प्रयास करूंगा। दोस्तों, हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज अभी मत लाइक कीजिएगा, आप पूरे वीडियो देख लीजिए। उसके बाद अगर आपको लगे नहीं उनको लाइक करना, तब लाइक कीजिएगा, और ना लाइक मत कीजिएगा, क्योंकि दोस्तों जब अच्छा लगे तभी वीडियो लाइक करना चाहिए, ये मेरा प्रिंसिपल है। हालांकि आप लोग भी अच्छे जानते हैं इस बात को, लेकिन दोस्तों क्या है कि मेरे चैनल को, रुस्तम सिंह मैथ चैनल को, आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि जो भी हम वीडियो अपलोड करें उसको आपको तुरंत नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर जाए, जिससे आप इस वीडियो का आप देख सकें। और दोस्तों, अपने जितने भी स्टडी ग्रुप हैं उसमें अभी आप दोस्तों इस वीडियो को शेयर कर दिया करिए, जिससे कि हमें क्या चाहिए दोस्तों, आप लोग का एक मोटिवेशन ही तो चाहिए। हम भी देख न्यू 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 वीडियो बना रहे हैं, यूट्यूब पर आए हैं। अगर दोस्तों आप लोग का प्यार और सहयोग रहा दोस्तों, जरूर मैं अच्छा कंटेंट देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, याद रहेगा, किसी भी ये नहीं कि लाइट स्लो है, कि दोस्तों आपको तो सिर्फ एक जो ही क्वेश्चन है उस क्वेश्चन पर आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। थोड़ा सा लाइट का प्रॉब्लम है दोस्तों, लेकिन उसको थोड़ा सा आप कंप्रोमाइज करिएगा, बट मेरी तरफ से पूरी एफर्ट रहेगा कि आपको समझाते हैं। दोस्तों, आज पढ़ाते हैं परसेंटेज। परसेंटेज बोल क्या है दोस्तों, देखिए आप, होता है परसेंटेज, परसेंटेज जिसको बोलते हैं प्रतिशत। देखा था दोस्तों, तो इसको दो भागों में डिवाइड करके हमने जब देखा तो एक निकला कि आपका पर होता है प्रति, और एक होता है सेंट, सेंट मतलब 100। दोस्तों, प्रतिशत का देखा जाए तो बहुत से फार्मूले होते हैं, लेकिन मैं आपको फार्मूला नहीं रटवाऊंगा दोस्तों, बाय कॉन्सेप्ट क्लियर कराऊंगा। एक दो क्वेश्चन के जो फार्मूला बेस पे होते हैं, फार्मूलाज कराऊंगा, जो कॉन्सेप्ट भी कराऊंगा। जैसे कि परसेंटेज में एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्या बोला जाता है, सक्सेसिव डिस्काउंट। सक्सेसिव डिस्काउंट का फार्मूला होता है सक्सेसिव, एक होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, इसका फार्मूला होता है एक्स प्लस वाई एक्स इंटू वाई अपॉन 100। लेकिन दोस्तों, आज के डेट में देखा जाए तो परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस सब फ्रैक्शन वैल्यू से होते हैं। अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पहले से याद है, और फ्रैक्शन वैल्यू में क्या है, डिक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आप बहुत आसानी से हर किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट आउट कर सकते हैं। दोस्तों, कुछ मैं बता जैसे मैं बताऊं कि 5% ये होता है आपका 5%। 5% को क्या लिख सकते हैं, 5 अपॉन 100, जब इसको कट करेंगे 1 अपॉन हो जाएगा आपका 20। एट इज इज 4% को क्या लिख सकते हैं, 4 अपॉन 100, इसको कट करेंगे तो 1 अपॉन 25। लेकिन दोस्तों, आप एग्जाम में आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालूं, फिर शॉर्ट आउट करूं, फिर मल्टीप्लाई, नहीं दोस्तों। आपको परसेंटेज में क्या है कि फ्रैक्शन वैल्यू अच्छी तरह याद होना चाहिए। जैसे कि मैं कुछ फ्रैक्शन वैल्यू आपको लिखा रहा हूँ, आप अपने कॉपी में नोट डाउन करिए और अच्छे से उसको इसको याद कर लीजिए, याद रख लीजिए। जो आपको इसी एग्जाम में आप बैठे तो उसको जैसे भी फ्रैक्शन वैल्यू आप अपने तुरंत अपने माइंड करके कैलकुलेट कर लीजिए। जैसे कुछ मैं फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ पर लिख रहा हूँ, आप उसको नोट डाउन कर लीजिए। जैसे क्या मैं 50% को, 1/2 को 50% लिख सकता हूँ? आप बोलेंगे हाँ लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। एज 1/3 को मैं क्या लिख सकता, 33 1/3% बी कैन, राइट, बिल्कुल से लिख सकते हैं। जैसे 1/4, 1/4 का 25%, 1/5 पे क्या 20%, 1/6, 16 सही 2/3%, 1/7, 14 2/7%, 1/8, 1/8 का 12 सही 1/3%,
वन बाई नाइन को इलेवन वन बाई नाइन परसेंट, वन बाई टेन 10%, वन बाई इलेवन नाइन वन बाई 9%, वन बाई 20 5%। जितनी भी इतने हमने फ्रैक्शन बोले हुए दोस्तों, उसको आप याद लीजिएगा, इससे आपका काम चल जाएगा, काम का चल जाएगा, दौड़ेगा, क्योंकि बहुत क्वेश्चन ऐसे ही फ्रैक्शन वैल्यू रहते हैं। हालांकि आपको अगर फ्रैक्शन वैल्यू नहीं आता है सॉल्व करने, तो इसको बहुत कोई भी क्वेश्चन, जैसे मैं बोल दूँ कि चलिए आपको निकाल लीजिए आपका 10% का, तो क्या 10% को क्या मैं लिख सकता हूँ 10/100, बस कट कर दीजिए 1/10%। यही है दोस्तों खेल, खेल यही है बस, क्योंकि आप कंपटीशन के लड़के हैं, इतना नॉर्मली से बात जानते हैं, क्योंकि कंपटीशन में एक आदमी पढ़ाई तो आप करने ही है, इसको आपको सब बताना पड़ेगा, हाँ ये होता है यार, इतना कॉमन सेंस हर स्टूडेंट तैयारी करता है, इतना उसको आता ही रहता है। तो दोस्तों इस तरह से फ्रैक्शन वैल्यू आप नोट कर लीजिए, उसके बाद कुछ क्वेश्चन हम कराएंगे, जैसे कि क्रम सेट और प्लस आपका फार्मूला। हालांकि फार्मूला तो कोई आप रटने वाला चीज नहीं है, आज के इस दैनिक जीवन में कहीं आप पढ़े होंगे, ऑफलाइन या ऑनलाइन पढ़ते ही होंगे दोस्तों, हालांकि सभी लोग पढ़ रहे हैं, क्योंकि आज पढ़ना एक हर विद्यार्थी चाहता है कि मैं पढ़ के अपना फ्यूचर ब्राइट करूं। अब फ्यूचर कब ब्राइट होगा फ्रेंड्स, जब आप उसको लगेंगे, टाइम टेबल बनाइए, अच्छे से उसको प्रिपरेशन करिए, उसके प्रति सीरियस रहिए, जिस तरह से हर काम में आपका खेलने मन लगता है, घूमने मन लगता है, इससे दोस्तों आपका पढ़ाई मन लगा, देखिए दोस्तों दुनिया ना बदल जाए। तो मेरा नाम रुस्तम सिंह, आप एक बार पढ़िए कि नहीं यार मैं हूँ विद्यार्थी हूँ तो मेरा काम क्या है, मेरा काम ही तो पढ़ना है। एक बिजनेस क्या काम होता है, एक बिजनेस मैन काम होता है बिजनेस करना, एक दुकानदार क्या काम होता है, दुकानदार भी सोचता है यार दुकान में ऐसे होना चाहिए ऐसे होना, तो सोचता है तभी वो आगे बढ़ता है। इसलिए हमारे जीवन विद्यार्थी जीवन क्या है, एक सोच ही तो है, अगर आप अच्छा सोचेंगे तो अच्छा पाएंगे, जैसा करेंगे वैसा पाएंगे। हालांकि दोस्तों ये तो रही बात अपने एक दूसरे से समझने के लिए, चलते हैं दोस्तों कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं। हालांकि कुछ क्वेश्चन हमने इस पे सॉल्व किया हुआ है, जो कि एग्जाम दूसरे काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमने 5 क्वेश्चन इसमें हमने लिखा हुआ है, जो कि जो भी क्वेश्चन इसमें लिखा है सब एग्जाम में आया, पुलिस में आया हुआ है, रेलवे में आया, एनटीपीसी में आया हुआ है, फिर आपका एसएससी जेई में आया हुआ, सभी सिलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। अभी मैं परसेंटेज का पार्ट वन पढ़ा रहा हूँ, जैसे जैसे बढ़ता है पार्ट टू पार्ट थ्री पार्ट थ्री, हमने सिलेक्टेड क्वेश्चन हमें 35 सिलेक्ट किए हैं दोस्तों, लेकिन आज 5 ही लिए हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो होगा हम लोग नेक्स्ट पार्ट में लेंगे, लेकिन आज डिस्कस करते हैं पहला क्वेश्चन। दोस्तों कोई भी क्वेश्चन का हमें सोचूंगा 2 ट्रिक से बताऊं, जो क्वेश्चन अगर 2 ट्रिक से बनेगा, 2 ट्रिक से अगर 1 ट्रिक से 1 ट्रिक से लियो कॉम्पोजिट प्लस, इसलिए दोस्तों पहला कॉम्पोजिट डीजे पार। दोस्तों आपको लगता है कि मैं किसी मार्केट से जाऊं एक बुक खरीद लूं उसमें 50 प्रैक्टिस सेट हो, दोस्तों कुछ नहीं होने वाला है। आप और हम तो समझ चुके हैं क्या मार्केट में चल रहा है दोस्तों, जब से कॉम्पोजिट क्लियर नहीं होगा आप क्वेश्चन नहीं लगा सकते। कॉम्पोजिट इज द पावर इज कार्ड बिनवाडे, तो इसलिए मैं कहता हूं कि पहले आप किसी चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर करिए, परसेंटेज या प्रॉफिट लॉस नंबर सिस्टम है का नाम की SI CI फिर अलजेब्रा, पहले आप कॉन्सेप्ट क्लियर करिए क्या चल रहा है, ये होता कैसे। आप जिस दिन समझ जाएंगे दोस्तों कोई भी क्वेश्चन आएगा आप चुटकियों बजाओ, 30 सेकंड का समय होता है, 10 सेकंड में 15 सेकंड में सॉल्व कर देंगे, लेकिन दोस्तों उसको करने के लिए आपको प्रैक्टिस के साथ साथ कॉन्सेप्ट और पढ़ने लगन होनी चाहिए। देखिए दोस्तों मैं तो अभी नया यूट्यूब पर पढ़ाने जा रहा हूँ दोस्तों, इसलिए आप लोग का साथ चाहिए दोस्तों, प्यार चाहिए, और बस और क्या चाहिए हमको, बस आपका एक मोटिवेशन, लाइक सब्सक्राइब और शेयर ही हमें चाहिए दोस्तों, और आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस ये भाई प्यार बनाए रहिए दोस्तों। आज मेरा पहला दिन है, हालांकि हमारे में कुछ कमियां भी होंगी अभी, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल हालांकि भी यूट्यूब पर आके पढ़ाना पहली बार, हालांकि मैं कभी ऑफलाइन कुछ नहीं पढ़ाया हूँ, ये रियल है दोस्तों, मैं अपने दिल कसम अपने दिल पर हाथ रख बोले, क्योंकि हमें बहुत शौक है कि पढ़ाऊँ, अगर हमारे पास कुछ जानता हूँ तो अपने भाइयों को अपने दोस्तों को अपने यार को दूँ, जिससे कि वो सीखें, नहीं यार पढ़ाई क्या इंपॉर्टेंट क्या महत्व है हमारे लाइफ, आप विद्यार्थी जीवन में हो तो विद्यार्थी जीवन घूमकर नहीं हुए दोस्तों, और कुछ नहीं। चलते हैं दोस्तों कुछ एक्सरसाइज क्वेश्चन करते हैं, फिर उसके बाद देखते हैं क्या होता है। दोस्तों देखिए हमने पहला क्वेश्चन जो लिया है, तो पहला क्वेश्चन कह रहा है एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया पूर्व मान में, उसको पुनः लगाने के लिए नए दाम कितना परसेंट बढ़ाना होगा, कितना परसेंट बढ़ाना होगा दोस्तों। इसका करने का दोस्तों ये है कि एक तो पहले मैं कॉन्सेप्ट से बताऊंगा, दूसरा आपको फार्मूला से बताऊंगा। तो पहला कॉन्सेप्ट देखिए दोस्तों, मैं क्वेश्चन को पहले लिखूंगा, जिससे कि आप अपने नोट डाउन करना चाहते हैं या कर लीजिए, चाहते नहीं इसको नोट डाउन करिए, जो क्वेश्चन अगर आपको पहले से आता है
तो बड़ी अच्छी बात है। अगर नहीं आता है तो एक नोट डाउन अपना एक किसी बुक पे एक कॉपी बनाइए, उसको नोट कीजिए, क्योंकि दोस्तों पढ़ने के ही तरीका है, जो हमको आ रहा है वो तो आ ही रहा है, बट जो नहीं आ रहा उसको मैं नोट करूंगा, क्योंकि दोस्तों पढ़ाई का दूसरा नाम ही रिवीजन। आप रिवीजन नहीं करोगे आप भूल जाओगे, क्योंकि जो हर विद्यार्थी जीवन में है वो भूलता ही जरूर है, क्योंकि अगर आप रिवीजन बार 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 किसी चीज को करते रहेंगे तो आपको माइंड में सेट हो जाएगा, अगर एक बार कोई चीज में सेट हो गया तो पूरी लाइफ भी रहेगी, ये कोई कोई छीन नहीं सकता, यही तो एक ऐसी ताकत है दोस्तों, हर चीज डिवाइड हो जाता है, लेकिन किसी दोस्त के या किसी के टैलेंट में वो डिवाइड नहीं होता है दोस्तों। दुनिया में हर चीज बढ़ सकती है, लेकिन ज्ञान जो आप में हो गया आपसे कोई नहीं छीन सकता, ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। तो दोस्तों चलते हैं, पहला वीडियो आपको क्वेश्चन मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, उसके बाद इसका मैं आपको शुरू से बताऊंगा। बोला कि एक वस्तु का दाम, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ये कह रहा है, एक वस्तु का दाम, एक बहुत इजी से दोस्तों, एक वस्तु का दाम 10% घटाया गया, बिल्कुल सही बात है, तो पूर्व मान में उसको पुनः, पूर्व पूर्व मतलब पहले, पूर्व मतलब आप जाए ना पहले, पूर्व मान में उसको उसको पुनः पुनः लाने के लिए नए दाम को कितना परसेंट बढ़ाना होगा, कितना परसेंट बढ़ाना होगा। इसके ऑप्शन में दोस्तों आपको लिख दे रहा हूँ, जिससे कि आप बहुत दोस्तों मैं ऑप्शन नहीं बताऊंगा, आप सुन के रहे दोस्तों, आप रट के आए हो बताएं, दोस्तों मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूँ, जिससे कि आपको मतलब शॉर्ट शॉर्ट आउट करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। पहला ऑप्शन इसका है दोस्तों, पहला ऑप्शन है 9 1/11%, दूसरा ऑप्शन है दोस्तों 10 1/11%, तीसरा ऑप्शन है दोस्तों 11 1/9%, चौथा ऑप्शन नन नन का मतलब आप समझ रहे हैं इसमें से कोई नहीं। तो दोस्तों आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मैं आपको इसका दो मेथड बताऊंगा, फर्स्ट मेथड एक फार्मूला से होगा और सेकेंड मेथड वो होगा उसका बाई कॉन्सेप्ट होगा। तो दोस्तों पहले मैं आपको बाई कॉन्सेप्ट बताऊं, कॉन्सेप्ट होता क्या है, तो सॉल्व करते हैं दोस्तों, कह रहा है कि सॉल्व यहाँ पर मैं लिख देता हूँ बहुत सुंदर राइटिंग में, सॉल्व कह रहा है 10% घटाया जाता है, मतलब 10% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता, आप मैंने घटाने के जैसे बोले घटाए तो माइनस, बढ़ाए तो प्लस, आप माइनस का सिंबल आप लेके इसको 10% कर दीजिए, फिर इसको आप फ्रैक्शन वैल्यू में चेंज कर दीजिए 100, फिर कट कीजिए बराबर -1/10, देखिए दोस्तों आप फिर इसको लौट लीजिए, क्या हुआ 9/10, तो पहले क्या था, पहले 10 था, बाद में हो गया 9, कितने कट हो रहा है जो -1 का, लेकिन कह रहा पुनः उसको लाने के लिए, पुनः लाने क्या करेंगे, इसी को मैं इधर उलट देता हूं, इसको जब मैं यहाँ पर उल्टा तो यहाँ 10, अब देखिए क्या हुआ +1 की वृद्धि हो गई, लेकिन जब -1 + 1 को जब हमने कैलकुलेट करके देखा तो 0 जब यानी पुनः अपनी स्थिति में आ गया हो, आप गए अगर चले आए तो क्या हुआ, आप तो आपका क्या हुआ, क्या बोलते हैं उसको, डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, जहां से गए वहां से चले आए तो क्या हुआ, जैसे हम लोग साइंस में पढ़े हैं भैया किसी आप वृत्त पे आप सभी घूम रहे हैं, क्या आपका, अब क्या होगा आपका, जब डिस्प्लेस जीरो हुआ, डिस्प्लेस जब विस्थापन 0 हुआ, जब आप कुछ चाले नहीं चले तब विस्थापन 0 हुआ, और जब दूरी आप कोई कवर ही नहीं किए तो विस्थापन 0 मतलब कार्य 0, इसे हालांकि साइंस में आप पढ़े होंगे। तो दोस्तों इसे रीजन 0 आ गया, तो क्या हुआ हमको कह रहा है बढ़ाना, देखिए दोस्तों यहाँ पर ध्यान दीजिए, कह रहा है बढ़ाना तो हमें बढ़ा रहे हैं, 9 का 10 एक पे वृद्धि हुआ, कितना वृद्धि, एक पे वृद्धि किस पे हुआ, 9 पर हुआ है, किस पे हुआ दोस्तों 9 पर वृद्धि हुआ है, ठीक है, आ इसको परसेंट में चेंज कर लीजिए, देखिए आ गया ए, देखिए इसका फ्रैक्शन बोलो ने बताया था दोस्तों, क्या मैं इसको 1/9 × 100 लिख सकता हूँ, बोल के बिल्कुल सही, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, तो 1/9 का फ्रैक्शन वैल्यू होता क्या है 11/1/9,
ये आपका आपको आप भाग दे के देख लीजिए, नहीं कोई दिक्कत नहीं, आप बिना कोई भी आपको कंफ्यूजन है भाग दे के देख लीजिए। 9 से करिए, 1 जाएगा, 1 बचेगा, फिर 1 से जाएगा ना, फिर देखो दोस्तों बहुत लोग कंफ्यूजन होता है कि मैं कैसे लिखूं, इधर से लिखूं या इधर से लिखूं। दोस्तों हमेशा इधर से आइए, यहाँ पहुंचिए, पहले 11 लिखिए, फिर 1 लिखिए, फिर 9 लिखिए, ये आपका हो गया आंसर। आप बस यहाँ पर क्लिक कर लीजिए कहाँ पर है, हाँ ये आपका आंसर बस ही सही है दोस्तों। इसी दोस्तों मैं सेकेंड मेथड आपको बताऊं, हालांकि आप स्क्रीन शॉट लीजिएगा, अब मैं आशा करता हूँ दोस्तों कि आपको समझ में जरूर आएगा। दोस्तों पहले क्या किया, 10 घट रहा है, 9 क्या हो गया, 1/10, यानी घट रहा है तो घट के 9 बटा 10 हो गया, -1 का हुआ। फिर हमने क्या किया, इसको उलट दिया, फिर पुनः स्थिति लाने के लिए 9.1%, लेकिन रिजल्टेंट क्या हुआ, 0, क्योंकि पुनः उसको नए दाम लाना है, उसके पहले बढ़ाया फिर घटाया फिर नया दाम है, तो एक की वृद्धि हुई, किस पे हुई, 9 पे हुई। फिर इसको फ्रैक्शन में चेंज किए, कट किए, 11 से 11 से 9% आ गया। इसका सेकेंड मेथड देखिए दोस्तों, इसका सेकेंड मेथड, एक होता है दोस्तों फार्मूला, लिखिए आप यूजिंग ऑफ फार्मूला, एक होता है फॉर्मूला दोस्तों, ऐसे कर लीजिए आप, आर क्या है, आर क्या रेट है, आर क्या आपका रेट मतलब दर, फिर लिखिए यहां पर 100 प्लस माइनस आर। दोस्तों क्या है, अगर 10% की वृद्धि हो तो आप प्लस लीजिएगा, पी पॉजिटिव, अगर अगर 10 माइनस की अगर थोड़ा कमी हो रहे हैं, सॉरी कमी हो रही है, तो यहाँ पर माइनस लीजिएगा। तो कह रहा है कि वृद्धि घटाया जाए तो क्या होगा, पहले 10% रखिए यहाँ पर, फिर यहाँ 100 रखिए, यानी आपको लेना क्या है माइनस, क्यों घटा रहा है तो माइनस लेंगे, बस यहाँ हमेशा ये सिंबल लगा दीजिएगा। फिर क्या होगा आपका 10, ठीक, ये आपका हो गया इंटू 100, सॉरी ये भी 100 होगा दोस्तों, मैं भूल गया था, ये हो जाएगा आपका 90, ये हो जाएगा 100 का 0 0 कैंसिल, अब 100/9, 100/9 कर लीजिएगा, फिर देखो वही भाग देंगे तो ये हो जाएगा 11/1/9%। फिर दोस्तों वही आएगा, दोनों ही बहुत क्लियर दोस्तों, जैसा आपको अच्छा लगे उसको आप फॉलो कर लीजिएगा। लेकिन दोस्तों मैं बता दूं कि जो पहले बताया वो भी अच्छा है, ये भी अच्छा है, बट डिपेंड करता है कि आपको कौन सा अच्छा लगा। जो जो भी अच्छा लगा दोस्तों कमेंट में जरूर शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, आपका कमेंट का हमको इंतजार रहेगा। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बनाने की कोशिश करिएगा दोस्तों। जैसे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि दोस्तों मैं थोड़ा देख लूं वीडियो रिकॉर्डिंग अच्छा से हो रहा है कि नहीं, थोड़ा सा 2 सेकंड की वेट कीजिएगा। दोस्तों थोड़ा सा बैटरी डाउनलोड हो गया, इसको थोड़ा सा वीडियो धूम लगे, उसको आप मैनेज कंप्रोमाइज कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों हमेशा क्वालिटी में नहीं कंटेंट में ध्यान दीजिए दोस्तों, क्योंकि हमको लाइट्स नहीं मतलब तो हमको क्या है कि क्वेश्चन से जो क्वेश्चन हमको समझ में आ गया दोस्तों, लाइट धूमिल या क्या बोलते हो स्लो या डाउन है दोस्तों, उसको थोड़ा आप कंप्रोमाइज कर लीजिए दोस्तों। आपको हमेशा एक अर्जुन की तरह मछली की नहीं मछली के आँख पर ध्यान होना चाहिए दोस्तों। अर्जुन को कुछ नहीं दिखा, द्रोणाचार्य जब उससे पूछा और सब शिष्य थे कि तुमको क्या दिख रहा है, तो सब लोग कह रहे हैं मछली दिख रहा है, कोई मुखबरा पानी दिख रहा है, लेकिन जब अर्जुन से पूछा गया बताओ अर्जुन बस तुमको मछली इसमें एक सिम पॉन्ड में एक जो रखा हुआ था जिसमें पानी थी उसमें क्या दिखा दे रहा है, तो अर्जुन जी ने बोला कि गुरु जी हमको तो सिर्फ मछली की आंख दिखाई दे रही है। तो टारगेट दोस्तों यह होना चाहिए, लाइट धूमिल है दोस्तों लेकिन थोड़ा कंप्रोमाइज, लेकिन दोस्तों जो मैं पढ़ा रहा हूँ उसको आप बस अगर ध्यान से सुनिए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, क्यों ऐसा हो रहा है, अपने से आप कंप्यूटर से डिस्कस कीजिए। नहीं है ये भी पहला क्वेश्चन बताया, अलग तो दूसरा क्वेश्चन बताता हूँ दोस्तों, आप थोड़ा सा केयर कीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर सेकेंड, ये कह रहा है कि ए का वेतन, बोला ए का वेतन बी के वेतन से
तैतीस एक बट्टा 3% क्या है दोस्तों? कम है दोस्तों, याद रखो कम है, कम है। कराए फिर कराए तदनुसार, तदनुसार बी का वेतन वेतन से कितना परसेंट कितना प्रतिशत ज्यादा है? दोस्तों इसका ऑप्शन आपको मैं लिख दे रहा हूं जिससे कि आपको आसानी होगा सॉल्व करने में। दोस्तों इसका ऑप्शन हो गया आपका 25%, 20%, 33 1/3%, सॉरी ये नहीं, और आप क्या हो गया आपका 50%। दोस्तों इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से, क्वेश्चन ये बहुत एनटीपीसी का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों, एनटीपीसी, रेलवे, आपका एसएससी, बहुत फेवरेट क्वेश्चन है दोस्तों। लोगों ये निकाल लेते लेकिन कंपेयर करने में उनको बहुत ही कंफ्यूजन होता है। दोस्तों मैं जैसे बताऊंगा आप उसको करिएगा, बहुत इजी ढंग से होगा दोस्तों। दोस्तों इसको करने का बहुत इजी ढंग है दोस्तों। जैसे मैं बताऊं तो दोस्तों देखो इस क्वेश्चन करने का सोल्यूशन देख लीजिए दोस्तों कैसे किया जाता है। दोस्तों कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से कम है, ए का वेतन बी के वेतन से कम है, ए का लिखिएगा यहाँ पर, ए करिएगा यहाँ पर, सिंबल आएगा -33। आराम से दोस्तों, कोई जल्दीबाजी नहीं है, एक बार समझ में आ गया तो अपने हाथ में जल्दीबाजी। इसको पहले आप चेंज कर लीजिए, 33 या 99 100 अपान हो जाएगा 3, फिर इसको परसेंट हटा के 1/700 लीजिए, इसको इसको काट दीजिए, बराबर करेंगे तो हो जाएगा -1/3। देखो दोस्तों माइनस क्यों कर रहा हूँ दोस्तों, ये आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन दोस्तों ये है कि आप इसको बहुत इजी ढंग से कर सकते हैं। तो दोस्तों इसको जब करेंगे तो क्या हुआ, हम बताएं दोस्तों, जैसे माइनस सिंबल आकर इसको उलट दीजिए, यहाँ पर 2/3 हो जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा। फिर यहाँ पर आप सिंबल बना लीजिएगा, यहाँ पर बी कर लीजिएगा, आप चाहे तो कम इसे कर लीजिए। देखिए कह रहा है कम है, जाहिर सी बात है बी का 3 है, क्योंकि ए का वेतन बी से कम है ना, तो बी का 3 ए का 2, तो कह रहा है कि बी एक से कितना ज्यादा, कितना ज्यादा दोस्तों, यहाँ पर ये +1 ज्यादा है तो बस परसेंट लगा दिए दोस्तों, एक ज्यादा है, किससे ज्यादा है, ए से ज्यादा, एक वैल्यू क्या है 2 है, बस एक ज्यादा है 2 से परसेंटेज में चेंज कर लीजिए, काट देंगे आपका आ जाएगा 50%, आपका क्या आ जाएगा 50%, बस यहाँ पर आप लिख कर दीजिएगा। दोस्तों आई होप कि आपको ये क्वेश्चन जरूर समझ में आएगा। तो दोस्तों एक बार मैं फिर से बता देता हूँ दोस्तों, कह रहा है ए का वेतन बी के वेतन से 33 1/3% कम है, तदनुसार बी का वेतन ए के वेतन से कितना परसेंट ज्यादा है? दोस्तों ए का वेतन इतना कम है, इसको मैं फ्रैक्शन में चेंज किया, परसेंट में कन्वर्ट करके कट गया -1/3, लेकिन कम ही है तो माइनस रहेगा। अब 2 से 3 2 3 था 2 हो गया, तो पहले ए जाहिर सी बात है बी का ज्यादा होगा, बी का 3 है तो ए का 2, कितना ज्यादा है 1 ज्यादा है, 1 ज्यादा किससे ज्यादा है, यही तो दोस्तों कंफ्यूजन होता है। लेकिन यहाँ पर 3 लिख देते हैं और 33 1/3% मार के चले आते हैं, जो कि बिल्कुल गलत है दोस्तों। इसलिए मैं आपको समझाना चाहूंगा दोस्तों, कंपेयर जिसपे किया जाए उसको हमेशा नीचे लिखे। मैं कह रहा हूं आपसे, मैं आपसे बोलूं, मैं आपसे बड़ा हूं, आई आप छोटे हुए, जिससे कंपेयर किया जाए उसको आप नीचे रखिए। अब बाकी बस आप सब खुद समझदार हैं, बहुत इजी से कर सकते हैं। जैसे आई होप दोस्तों आपको जरूर समझ में आया, अगर जरूर समझ दोस्तों लाइक और लाइक जरूर कीजिएगा दोस्तों, और कमेंट में जो भी आपके दिल में है आप कमेंट कीजिएगा, हमारे जो कमियां हैं वो दोस्तों आप जरूर बताइएगा दोस्तों। आप जैसे हम भी दोस्त हैं दोस्तों, आपको भाई जैसे हैं, हर दोस्तों किसी ने कोई परफेक्ट नहीं है जी, कोई पुरुषोत्तम राम नहीं दोस्तों, सबके कमी में दोस्तों, लेकिन मैं सुधारने की कोशिश करूंगा दोस्तों, और इन फ्यूचर में बेस्ट से बेस्ट कंटेंट, अच्छे अच्छे क्वेश्चन दूंगा जिससे कि आप कोई भी कंपटीशन में जाएं और अच्छा से अच्छा क्वेश्चन करके आए। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, क्वेश्चन नंबर 3 दोस्तों मैं देख लूं, क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं दोस्तों।
दोस्तों इसलिए मैं ब्लैक बोर्ड पर लिख रहा हूँ कि जैसे कि आपको फील हो कि नहीं हम एक क्लास ऑफलाइन कोचिंग कर रहे हैं दोस्तों। जैसे कुछ तो हमारे पास इतना सिस्टम नहीं दोस्तों कि मैं स्क्रीन पे क्वेश्चन लगा सकूँ, आप समझ सकते हैं दोस्तों, क्योंकि कोई भी नया नया स्टार्ट करने में बहुत कुछ ना कुछ जरूर प्रॉब्लम क्रिएट होती है दोस्तों। लेकिन आप एक खुद एक क्योंकि कंपटीशन करने वाले तो बहुत ही सीरियस होते हैं, कंपटीशन वही तैयारी करता है दोस्तों जिसमें कुछ होता है, और जिसको नहीं होता वो तो पहले ही सैड हो जाता है। जैसे कि मैं आपको एग्जाम्पल दूँ, जो बहुत अच्छा है नेचुरल पावर होते हैं बहुत बचपन से ही अपना जो फाउंडेशन कोर्स करते हैं वो तो IIT में चले जाते हैं। उसके बाद बचे आपका फिर आया था UP EEE, UP EEE में कुछ बच्चे चला जाता, फिर आपका आता है UPTU, UPTU में कोई BTEC करता, फिर इसके आपका आता है IERT, IERT जो इलाहाबाद में कॉलेज उसमें हो जाता, उसमें कुछ हटते लगे तो आ जाते हैं डिप्लोमा पॉलिटेक्निक, कोई मैकेनिकल से, कोई सीबी से, कोई इलेक्ट्रिकल से, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स कंपनी अपना डिप्लोमा करता। उससे कम लोग आते हैं IIT, उससे जब कम आते हैं दोस्तों तो भाई वही आप समझ सकते हैं इतना समझदार है। लेकिन दोस्तों किसी चीज के पाने के लिए आपको जरूर मेहनत करना होगा दोस्तों, क्योंकि कंपटीशन बहुत टफ है दोस्तों। आपको एकदम पूरे लगन से, दिल से एकदम लगना होगा, नहीं हमें एक अचीव करना है तो करना है करना। सुबह उठिए अपने आप को, जब सुबह अगर अच्छी शुरुआत होगी दोस्तों पूरा दिन अच्छा जाता है दोस्तों। अगर आप सुबह नहीं पढ़े दोपहर में नहीं पढ़े, दोपहर नहीं पढ़े शाम को, शाम को नहीं पढ़े नाइट भी पढ़ने मन नहीं करेगा। इसलिए दोस्तों सुबह बहुत अच्छे से स्टार्ट करिए, सुबह मन लगाइए, करंट अफेयर पढ़िए, अपना जो भी अपना पढ़ते होंगे दोस्तों अपना अपना हाल का अपना पढ़ने का सबका फंडा होता है। फिर मैं दोस्तों बताऊंगा कि आप पढ़ने का मतलब यही है कि आप टाइम टेबल सेट करिए, क्योंकि हमको तो भाई कंपटीशन में सब मैथ पढ़ना है, रीजनिंग पढ़ना है, GK पढ़ना है, GS पढ़ना है, पॉलिटी पढ़ना है, हिस्ट्री पढ़ना और जियोग्राफी पढ़ना है, करंट अफेयर पढ़ना है, इतनी योजनाएं आती हैं दोस्तों क्या करेंगे, रोज नया चेंज हो, करंट अफेयर पढ़ना दोस्तों, आपको सब कुछ कहीं कोई बूंद बूंद से घड़ा भरता है दोस्तों। क्योंकि आप हर जगह स्ट्रांग नहीं होगे तो बातें नहीं बने, इसी बात को आप भी जानते हैं। तो दोस्तों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हालांकि हमने क्वेश्चन कितने तक कराए थे। हाँ दोस्तों एक क्वेश्चन जो है मैं आपको दो मेथड से कराऊंगा, दो मेथड से कराऊंगा दोस्तों। चलो पहला मेथड देखते हैं दोस्तों, एक करा है ये कह रहा है कि एक संख्या, बहुत आराम से दोस्त, एक संख्या पहले पहले क्या है 20% की कमी की, 20% कमी कमी की जाती है इसके बाद फिर इस कम फिर इस कम की हुई संख्या में 20% 20% की वृद्धि की जाती है, वृद्धि यानी वृद्धि की जाती है, तो मूल संख्या क्या है, तो मूल मूल संख्या संख्या है दोस्तों। मैं आप लोग को ऑप्शन दे दूंगा जिससे आपको सॉल्व करने में आसानी हो। पहला ए है आपका 20%, बी ऑप्शन है 30%, सी ऑप्शन है 25% और डी ऑप्शन आपका है, सॉरी 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 फ्रेंड, मैं परसेंट में आया, मुझ परसेंट बात ही नहीं है। ए ऑप्शन हो जाएगा 300, बी आ जाएगा आपका 400, सी आ जाएगा 500 और सी आ जाएगा आपका 250। दोस्तों ये ऑप्शन है, आप लोग इसको सोल्व अपने से करिए, उसके बाद मैं बताता हूँ दोस्तों इसका करने का बहुत अच्छा कंसेप्ट बताऊंगा दोस्तों। शायद आपने कभी कभी देखा न हो, हालांकि पढ़ा होगा लेकिन अगर देखते हैं शायद आपने ना देखा हो, लेकिन बहुत ईजी ढंग से बताऊंगा दोस्तों जिससे आपको माइंड तुरंत सेट हो जाएगा, ये मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों सोल्व करते हैं, ये कह रहा है एक संख्या परिवेशन कमी की जाती है। तो दोस्तों मैं बताऊं कि
20% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है, 1/5 होता है, इसको लिखाने की जरूरत नहीं। फिर भी मैं बता देता हूँ आपको कि बहुत ऐसे लड़के हैं भाई हर्ष जिसको बहुत कंफ्यूज। 20% 20% क्या होता है, 20 बटा हम क्या लिख सकते हैं, 100 लिख सकते हैं, इसको कट करेंगे तो 1/5। लेकिन दोस्तों याद रहे कि यहाँ कमी कर रहा है कमी, कमी करें तो हमेशा सिंपल माइनस लगाए, तो बस -1/5 को मैं उलट दूंगा तो 4/5, पहले 5 था फिर 4 हो गया। फिर कह रहा है कि 20% की वृद्धि, वृद्धि में बताए दोस्तों वृद्धि प्लस कर दीजिए 20/1/25, फिर प्लस से उलट जाएगा 6/5, पहले 6 था 5 था क्या हो गया 6 हो गया। ठीक है देख, सॉरी दोस्तों, सॉरी 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 फ्रेंड, सॉरी, वृद्धि की जाती है। ठीक है सर दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ दोस्तों, आप प्लीज माइंड मत कीजिएगा क्योंकि मैं थोड़ा क्वेश्चन ही अधूरा लिखा हूँ दोस्तों। यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन जो है हम भी कह रहे हैं इसमें तो कुछ दिया ही नहीं है। चलो दोस्तों इसलिए मैं माफी मांगता हूँ दोस्तों। तो दोस्तों देखिए इसमें क्या है कि वृद्धि तो की जाती है, यहाँ पर सही था, अपने लास्ट में था कि परिणामी संख्या से 20 कम है, 20 क्या है कम है तो मूल संख्या बताए, ये दोस्तों मैं भूल गया था, तो मूल संख्या। अब मैं दोस्तों आप लोग का ऑप्शन लिखता हूं, आपका पहला ऑप्शन है 350, बी ऑप्शन है 400, सी ऑप्शन है 500 और आपका डी ऑप्शन है 250। दोस्तों यहां तो मैं पहले बताया था कि पहले 20% कमी हो रहा है, मैं बता दे 20% कमी हो रहा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकाल, यानी 5 से 4 हो रहा है, फिर 20% वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो जाहिर से 5 से 6 होगा, यहाँ तक क्लियर होगा दोस्तों। फिर आगे चलते हैं दोस्तों, फिर आप ऐसा करिए कि इसको गुणा कर लीजिए, 5 5 25 बिल्कुल सही है, 6 4 24 कितना कमी हो रहा है, -1 के कमी, एक कमी नहीं हो रही, एक यहाँ तो एक को, लेकिन एक्चुअली कमी किसकी हो रही, 20 की कमी है। तो यहाँ पर ऐसे कर दिए, 20 कितना गुना है, 20 गुना है, तो ये भी आपकी मूल संख्या भी 20 गुना ही होगी, 25 गुना 50 यानी 500, ये आपका राइट आंसर है दोस्तों। आशा करता हूं आप लोग को जरूर समझ में आएगा दोस्तों। मैं पहले एक संख्या पहले 20 कमी की जाती है, फिर कमी की उस संख्या में 20% वृद्धि की जाती है, परिणामी संख्या 20 कमी, परिणामी संख्या से 20 कम है, तो 20% कमी है यानी 5 4 हो गया, फिर 20% वृद्धि होगी 5 6 हो गया, गुणा किए 5 5 25 6 6 को, जब देखा गया रिजल्ट तो एक की कमी हो रही, एक की नहीं की एक्चुअली कमी, तो यहाँ पर एक हो रही है लेकिन एक की नहीं दिया, यहाँ 20 कमी हो रही, तो कितने गुना, 20 गुना, ए भी 20 गुना, आती मूल संख्या आपको कितना हो जाएगा 500, यानी आपका राइट आंसर सी हो जाएगा 500। आशा करता हूँ दोस्तों आपको जरूर समझ में आया होगा दोस्तों। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। चलते हैं दोस्तों आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस क्वेश्चन को मैं फर्स्ट मेथड सेकेंड मेथड थर्ड मेथड से बताऊंगा दोस्तों, और आशा करता हूं दोस्तों कि आपको जरूर अच्छा लगेगा। चलो दोस्तों क्वेश्चन के स्टार्ट करते हैं, आज का लास्ट क्वेश्चन है, ये कह रहा है किसी संख्या को 20% बढ़ाया जाता है, बिल्कुल सही, किसी संख्या को 20 में बढ़ाया जाता है, और फिर यहां पर आ गए और फिर 20% घटाया गया, 20% घटाया जाता है, तो अंततः संख्या क्या थी, अंततः संख्या
दोस्तों इसका ऑप्शन मैं लिख दे रहा हूं आप लोगों को। इसका ऑप्शन दोस्तों आपका है पहला +4%, बी ऑप्शन है -4%, सी ऑप्शन है आपका 5% -5%, और सी ऑप्शन है +5% डी। दोस्तों ये ऑप्शन आपका पहला ऑप्शन +4%, दूसरा -4%, सी ऑप्शन -5%, डी ऑप्शन +5%। दोस्तों इस क्वेश्चन करने का आपको मैं तीन मेथड बताऊंगा जो अच्छा लगे आप दोस्तों। तीन मेथड अगर कोई ना कोई आपके माइंड में इंटर कर गया तो हमेशा रहेगा। तो दोस्तों बताते हैं पहला मेथड होता है कि चलो इसको सॉल्व करते हैं। कह रहा 20% बढ़ाया जाता है, तो भाई फ्रैक्शन वैल्यू 20% बढ़ाया गया, 20% को मैं क्या लिख सकता हूँ 20/100। हालांकि दोस्तों मैं बताऊं कि फ्रैक्शन वैल्यू बहुत जरूरी है, बढ़ रहा है यानी कर दीजिए ये हो जाएगा 6/5। पहले क्या 5 था, बढ़ के 6 हो गया, फिर करा 20% घटाया गया, फिर जब घटाया गया तो माइनस बताएं 20/100 कर दीजिएगा, कट करेंगे 15/4, क्योंकि घट रहा है दोस्त, बढ़ेगा घट रहा है यानी 5 से क्या हो गया आपका 5 से 4। देखिए दोस्तों 5 × 5 = 25, 6 × 4 = 24, कितने कमी हो रहा है, -1 की कमी हो रहा है, कितने 25 पर कमी हो रहा है, जैसे बात 1 का कमी हो रहा है 25 पर, इसको कट कर दीजिए 1 × 25 = 100, -4%, क्योंकि दोस्तों कमी यहाँ शो कर रहा है, ये नहीं कि +4% करके चलिए गलत हो जाएगा दोस्तों। कमी हमें प्लस हमेशा शो करता है वृद्धि का, और कमी हमेशा शो करता है माइनस शो करता है हमेशा कमी का। दोस्तों इस बात को आप हमेशा ध्यान रखिए दोस्तों, कोई दोस्त होता है ये मान के चले आएंगे, लेकिन नहीं दोस्तों, आपका जो आंसर रिजेक्ट होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, ये आपका सही आंसर हो -4%, क्योंकि यही माइनस सही शो कर रहा है कि नहीं आपको कमी हो रही है वृद्धि हो रही है। अच्छा दोस्तों ये रही फर्स्ट, ये फर्स्ट मेथड था। तो दोस्तों आशा करते हैं दोस्तों आपको जरूर समझ में आया, नहीं आता दोस्तों सेकेंड मेथड देखिए। इसका सेकेंड मेथड क्या है, इसका सेकेंड मेथड दोस्त करता है एक फार्मूला होता है, आप उसको लिख लीजिए कि जब 20% कमी हो या 20% वृद्धि हो तो इसमें हमेशा ही ऑलवेज कमी ऑलवेज लॉस ही होगा, ऑलवेज लॉस ही होगा दोस्त। इस पर फार्मूले एक फार्मूला होता है, आप लिख लीजिए यूजिंग ऑफ फार्मूला। एक होता है दोस्तों यहाँ पर सिंबल लगा के माइनस यस उसका अपान 100। दोस्तों हमेशा ये जो है इसको बाहर करिएगा, होल स्क्वायर करिएगा तो माइनस कर दीजिएगा, क्योंकि यस क्या 20 ही तो है, 20 कर दीजिएगा, होल स्क्वायर कर दीजिए 100 कर दीजिएगा, ये आ जाएगा -400। आप इसको कट कर दीजिएगा 00 से 00 क्या आ जाएगा -4%, जैसा कि आप लोग हमको पहले यहाँ कराया था। देख लीजिए दोस्तों इससे भी आ सकता है, बस इससे फार्मूला आपको याद रखना। एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा, लास्ट मेथड दोस्तों मेथड नंबर थर्ड। आपको पहले कराया क्या है फ्रैक्शन वैल्यू, तो दूसरा क्या है फार्मूला, तीसरा जो कराऊंगा एक सक्सेसिव डिस्काउंट। एक फार्मूला होता है सक्सेसिव डिस्काउंट, सतत छूट, जिसको हिंदी में बोलते हैं सक्सेसिव